Noise and good morning. Abbiamo pendente l'alba di भैया ने हमें लगा दिया यहाँ पे तो हमें यहाँ पे अच्छे से जगह कैंप करके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे आज सुबह तक वेस्ट बंगाल पहुँचना है। यहाँ से 2,300 जैसा कुछ किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। कभी भी चप्पल नहीं पहन रहा, बस लॉन्ग पहन के आया क्योंकि कभी कभी शॉर्ट में लोग पसंद करते हैं। जल्दी जल्दी में अनकम्फर्टेबल सब नहीं होता जब अपने एरिया में जाते हैं। तो यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे उस साइड में जहाँ से हमें थोड़ा लिफ्ट के लिए हेल्प मिल सके। तो ये हाईवे है, मेन हाईवे, ये पार करना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दिक्कत का काम है, बस ट्रक आते जाते हैं और यहाँ से हम लोग लिफ्ट मांगने शुरू करेंगे। लिफ्ट मांगने से मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं। तो ये हमारा बोट रेडी है लिफ्ट के लिए, तो थोड़ा पैदल चलेंगे वहाँ तक, थोड़ा आगे तक, और वहाँ से लिफ्ट मांगेंगे। तो आज का शुरू भी नहीं किया हमने, सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है। आज हम है आसाम नालाबारी में, नालाबारा बोलते इसको। तो यहाँ पे हम अभी, और हम यहाँ से निकल रहे हैं वेस्ट बंगाल के लिए। सुबह सुबह निकल रहे हैं, अराउंड 7 बज गया, 6:37 कर लो। तो जल्दी निकलने से जल्दी सही है, जल्दी जल्दी पहुँचेंगे। 200-250 किलोमीटर यहाँ से वेस्ट बंगाल। तो हम सोच रहे हैं लिफ्ट से अच्छा तो मॉर्निंग वॉक कर लेते, थोड़ा 20-30 मिनट मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं क्योंकि हम भी थका, मतलब एक्सरसाइज भी हो जाएगा भाई। और ये 4-लेन हाईवे है, बहुत तेज़ी से गाड़ी वगैरह चल रहा है अभी यहाँ पे, मतलब कि मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई सा भी लिफ्ट, मतलब है ये वाला साइन बोर्ड दिखाने से कोई भी रुक जाएगा मेरे हिसाब से, एक दो तो रुक जाएगा। और आगे फेविक्विक देखते हैं, फेविक्विक मिलने से कैमरा वाला टूट गया मेरा थोड़ा सा।
गाइस अब टाइम आ गया, यहाँ से अब लिफ्ट लेंगे क्योंकि आगे मुझे ब्रिज वगैरह दिखाई दे रहा है तो थोड़ा मुश्किल है आगे में, उसकी वजह से यहाँ से लिफ्ट लेंगे। और मैंने सोचा नहीं था कि जब से ये साइन बोर्ड आया ना ये चीज़, जब से लिफ्ट लेना थोड़ा आसान हो गया है, मतलब लोग रोकते हैं पूछते हैं कहाँ जाना है, पहले तो ये भी नहीं करते थे लेकिन अब धीरे धीरे आसान हो गया ये सब। ठीक है अभी लिफ्ट दिखाएंगे, दो तीन गाड़ी आएंगे तो पहले हमें शुरू करना है, सुबह से नहीं किया ना तो यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं, वो तो नहीं दिखाऊंगा। मांग लेते हैं अभी से, क्या पता बाद में साइड में खड़ा होके बस वगैरह आ रहा है, बस वगैरह तो रोक देता है लेकिन पैसा ले लेते। वाह मर्सिडीज का बस था वो, देखते हैं अभी खुश किस्मत हूँ कि बदनसीब हूँ मैं, पता चल जाएगा। सुबह सुबह धूप निकला हुआ है वो देखो, और थोड़ा सा नींद भी है अभी भी। और ये एक नदी है और यहाँ के लोगों ने नदी को खोद खोद के कुआं बना दिया है क्योंकि उसमें से वो लोग रेत निकाल रहा था, काफ़ी सही है। लिफ्ट देने की ट्राई कर रहा लेकिन उसमें जगह ही नहीं, मेरा बैग देख के चला गया। तो सिलीगुड़ी है 374 किलोमीटर, लिफ्ट मिलता है कि नहीं मिलता देखते हैं। कोई ना कोई तो रुक जाएगा, बस थोड़ा वेट पेशेंट रखना पड़ता है। पेशन में रहेगा तभी ना लिफ्ट में मिलेगा। सब अपना फोन में बिजी है तो ठीक है भाई, थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा हाईवे है, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ठीक है लकीली एक गाड़ी रुका है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ जाएगा। कहाँ तक जाएगा भैया? हाँ बोरपट्टा, मतलब वो सिलीगुड़ी रास्ता। ये बैग भाई आज का लिफ्ट मिल गया, बैग तो आज का बैग कम माँ बहन होने वाला है। Oh my god. Aziz tak dia. Kami tadi pernah start di Putra. Ada. Kami akan ya kembali tak jaga. Thank you Liz ini. यही एक हाईवे है ना, तो भैया लोगों ने यहाँ पे लिफ्ट दिया, सुबह से स्ट्रगल कर रहा था फाइनली मिल गया। तब हम यहाँ से बोंगाईगांव ना, बोंगाईगांव तक लिफ्ट मिल गया यहाँ से, और वहाँ से हमें निकलना है सिलीगुड़ी साइड में। तो गाइस और हमने जिनसे लिफ्ट लिया था उसने हमें उतार दिया है ये मेन हाईवे पे, और हमें यहाँ से निकलना है
मेन साइट पे जाना है, और मैंने वो भी खाया था, वो शिकार खाया था, नींद आ रहा था बहुत, तो लोगों ने शिकार दिया, शिकार खाया और पूरा मुंह वो हो गया। तो यहाँ से हमें यहाँ से थोड़ा देर ही जाना है, और राइट लेफ्ट टर्न लेना है। लेने के बाद भी हम लोग, मतलब वो मेन रास्ते है जो हम लोग जाने वाला, वो रास्ते में जाएंगे अभी। इतना छोटा रास्ता है, पूरा बैग भी गंदा हो गया, मेरे बैग पे साफ करना पड़ेगा उसको। फिलहाल ऐसा है माहौल, रास्ता भी मालूम नहीं है ठीक है अच्छे से, क्यों इधर साइड से चलना है कि उधर साइड से चलना है ये भी नहीं पता। इधर साइड से चल सकते हैं ना, नहीं वाला रास्ता ले ले, उधर साइड से नहीं जा रहा, उधर साइड से गाड़ी बहुत चल रहा था, तो ये दूसरा साइड आया है। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, थोड़ा वो कभी कोई वगैरह लगाते हैं, वो जो जो चीज़ टूटता है। हाँ यार ये भी फैमिली वाला गाड़ी है, ज़्यादातर वो प्राइवेट गाड़ी में ना भरा हुआ रहता है, इसकी वजह से नहीं मिलता लिफ्ट। देखते हैं ये वाला ट्रक आया है आगे, एक बलेरो पिकअप भी आ रहा है उसमें, उससे मैं थोड़ा देखते हैं। चलो लिफ्ट मिलने के बाद मिलते हैं थोड़ी देर में ठीक है। तो हेलो गाइस, अभी हमें लिफ्ट मिल गया, ये आज का हमारा दूसरा लिफ्ट है और भैया जी ने दिया है। और अब आगे कितना तक? कोकराझार, कोकरा कोकराझार चिदमपुर बॉर्डर से थोड़ा आगे, वहाँ से आगे कसौल के बाद चिदमपुर बेंगल बॉर्डर पर जाए ना, वेस्ट बंगाल ना, और उसके थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे, यहाँ से 80-70 किलोमीटर जाएंगे। थैंक यू लेते भाई, मेहनत तक ये आगे ब्रिज है ना, ये देखी ब्रिज है, देखी भी बात डेस्टिनेशन है कोलकाता, कोलकाता नाम भी नहीं आता अच्छे से, फिर भी कोलकाता जाएंगे, और वहाँ पे हमारा कुछ गांव का जो स्कूल में थे वो लोग थे, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो उनका पास जाएंगे वहाँ पे, तो अगर उन लोगों का साथ रहने को मिला तो अच्छा है, नहीं भी मिला तब भी अच्छा। अभी के लिए तो करते हैं वीडियो को थोड़ा ऑफ करते हैं, क्योंकि मेरा बैटरी हो गया थोड़ा डाउन, थोड़ा चार्ज लगाते हैं फिर करेंगे। आप तो कहाँ रुकते हो? रात को हम पेट्रोल पंप पर गिरा रहा हूँ। और आपका नाम? राहुल, राहुल दास, राहुल दास, कहाँ से? हम तो इधर ही थोड़ा आगे घर है, हमारे गुवाहाटी से आया, मुझे लगा त्रिपुरा से होगा। थैंक यू, ठीक है, अच्छा लगा, थैंक यू। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गया है, क्या नाम था भूल गया, कोकरा गांव, कोकरा गांव ना क्या है, और यहाँ जो ट्रक ड्राइवर साहब है वो हमें यहाँ पे ड्रॉप करके गया है,
तो अभी यहाँ से हमें दूसरा ट्रक लेना पड़ेगा, दूसरा गाड़ी लिफ्ट, वो होगा फलकाता के लिए, फलकाता। ठीक है, ट्राई करते हैं। और फिलहाल अभी रॉकेट मुरे सिंह के गांव में, फिलहाल अभी ये ऐसा गांव है नज़ारा। तो ट्रक आ रहा है, ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, बस लिफ्ट मांगना है थोड़ा। ओके, लेट्स गो बेबी। तो गाइस अभी फिर से हमें लिफ्ट मिल गया है, ये हमारा तीसरा लिफ्ट है आज का, और भैया जी ने दिया फिर से उधर बैठा। ये भी कोलकाता का है, और ये कोलकाता डायरेक्ट जाएगा ना, ये तो डायरेक्ट कोलकाता जाएगा, लेकिन हम रास्ते में रुकेंगे क्योंकि हमें बिहार घुस के जाना है। तो बढ़िया है, आज का दिन बढ़िया गया, मतलब ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं हो, उतना जमेला नहीं हो। यार क्या करेंगे, अभी तो आसाम है, थोड़ी देर में हम लोग वेस्ट बंगाल घुस जाएंगे, मतलब एंटर हो जाएगा। तो सोच रहा हूँ कोलकाता में रुकेंगे, देखते हैं क्या मतलब डिसीजन होता है लास्ट एट द एंड में। गर्मी बहुत है यार, गर्मी। अभी हम हैं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में, और यहाँ हमें वो भैया जी छोड़ के गया है। हमें तो ट्रेन से जाना पड़ेगा, ट्रेन में थोड़ा स्लाइटली चेंज है, तो हम कटिहार जाके मिलेंगे। आज का ट्रेन थोड़ा मतलब आज का ब्लॉगिंग थोड़ा ट्रेन वाला होगा, मतलब कटिहार जाके हमें थोड़ा रेस्ट करना है, तबीयत थोड़ा ख़राब हो रहा है क्योंकि नया वेदर है इधर, और हम लोग का उधर नया अलग वेदर है, उसकी वजह से थोड़ा तबीयत ख़राब हो रहा है। हम कटिहार जाएंगे, एक दिन रुकेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे कन्याकुमारी के लिए। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 200 किलोमीटर का ही फ़र्क है, हो जाएगा। तो ट्रेन में मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस हम पहुँच गया है, अभी पूरा पहुँच गया है
कटिहार स्टेशन में जंक्शन में मैं, और ट्रेन में चुप चुप के से आया, ब्लॉग भी नहीं बनाया, इतना नींद है क्योंकि दो तीन दिन से ऐसे आराम से नहीं सोया, ठीक से नहीं सोया इसकी वजह से। कल हम आए थे नौलाबारी से डायरेक्ट यहाँ तक, ठीक है। आज सुबह पहुँचा हूँ मैं बिना टिकट बिना पैसा, ठीक है। ट्रेन का टिकट भी नहीं लिया मैंने, डायरेक्ट आया यहाँ पे जहाँ भैया ने ट्रक से छोड़ा था, वहाँ से डायरेक्ट सिलीगुड़ी से डायरेक्ट आया था मैं। तभी जा रहे मनिहारी बिल्डिया बारी ना क्या नाम है, वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे रात को आज रुकेंगे। हाँ चलो चलते हैं। और फिलहाल ये है स्टेशन, बिहार में, यूहू, लेट्स गो बेबी, मिलते हैं। Let's go, guys. Let's go. See you at Manhattan. सुबह सुबह मनिहारी में जाना है अभी, यहाँ से टोटो पकड़ के जल्दी निकल पाएंगे। तो पहले भी आया था हम यहाँ पे, लगभग 2020 में आए थे मार्च के महीने में। ये गाड़ी कमाल के, बड़े फटफटी जा रहे हैं, पूरा हैंडमेड कार है वो, मतलब हैंडमेड स्कूटर बोलो क्या बोलो कुछ भी बोलो, हैंडमेड है पूरा। तभी हम यहाँ से गाड़ी लेने की ट्राई करेंगे। मनिहारी कटिहार रेलवे स्टेशन का गेट है, पानी का जो ब्रिज है, देखते हैं। चलो तो अभी अभी ऑटो वाले भैया से बात किया है, उसने बोला यहाँ से मनिहारी जो मेन मार्केट है वहाँ तक 400 रुपये का खर्चा आएगा बोला। मैंने बोला चल रहने दो, इतना खर्चा कौन उठाएगा सुबह सुबह, क्योंकि 400 रुपये में मेरा एक टू तीन दिन का खर्चा निकलता है 400 रुपये में। और मज़ेदार बात यह है कि जनरल जो रूम है रेलवे बगी है उसमें टीटी वाले ने रेट मार दिया था। हम चला गया बाथरूम में छुपने के लिए, वॉशरूम में दो तीन बार मारा, मतलब मैंने धीरे से वो खोल दिया था, तो खुल के देखा कोई नहीं अंदर, तो चला गया, नहीं तो मेरा वार लग जाता। आज मज़ेदार था, 0 रुपीज़ में अभी तक मैं बिहार पहुंच गया हूँ। कटिहार मनिहारी जाने की तैयारी है अभी, 50 रुपये में पहुँचा देते तो कोई चले जाता, 50 रुपये से ज़्यादा ले रहा हूँ, 400 रुपये में बहुत कुछ निकलता है मेरा। तो फिलहाल अभी फ्लाईओवर में वॉक कर रहा हूँ, यहाँ पे बैग भी थोड़ा भारी है, पूरा भारी है। फिलहाल ऐसा है, चलते जाए चलते जाए, चलो